अच्छा जी, ये क्लोनिंग के बाद क्या हुआ कि वही इंडेक्स फाइल अब यहाँ भी नजर आ रही है आपको, ब्लैंक फाइल है लेकिन इंडेक्स फाइल हैज बीन डाउनलोडेड एंड कंप्लीट रेप्लिका ऑफ दैट रिपोजिटरी हैज बीन क्रिएटेड लोकली ऑन एनदर विंडो। आप समझ लें कि एक और यूजर के पास ये पूरा सेटअप क्रिएट हो गया। और अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा यहाँ पे इस फोल्डर को, तो फोल्डर के अंदर आपको नजर आएगा गिटअप डेमो रिपोजिटरी के नाम से, क्योंकि गिटअप यही नाम रखा था हमने, उस नाम से फोल्डर बन गया है और उस फोल्डर के अंदर ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल पड़ी हुई है। पुल भी कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम आप बेहतर ये होता है कि आप क्लोन करें, उसके बाद जब आप चेंजेस कर रहे होंगे ना फिर आप पुल पुश पे का काम करते हैं। फर्स्ट टाइम एक दफा आप पूरा डुप्लीकेट बनाने के लिए क्लोन करते हैं। हाँ बाय एंड ऑफ दैट डे, और उसके बाद वो नेक्स्ट डे वो सारा सेटल डाउन करके उसको सारी जगह पे, हाँ ठीक और है, वैसे ही है वो, एक दफा फर्स्ट टाइम हो रहा है ना ये, फर्स्ट टाइम में उसने जब पॉजिटिव को करना है तो क्लोन करना है एक दफा। अगर कोई नया बंदा लेट्स से प्रोजेक्ट पे आता है तो हाँ उसने जब अपना फर्स्ट फ्रेश फर्स्ट कॉपी टाइम डाली करना है तो है तो क्लोन करना है उसने, क्लोन क्लोन करना करेगा ताकि सब कुछ एक दफा आ जाए उसके पास, फिर है, बाद उसके बाद वो में पुल एंड पुश। बस फिर पुल पुश चले चलता जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने ये कॉपी किया था, कॉपी करके हमने क्लोनिंग की है, क्लोनिंग करके हमें नजर आया था कि यहाँ पे क्लोन वीएस कोड अपे हमें पूछता है क्लोन करो रिपोजिटरी करनी है, हमने की। और उसके बाद ये हुआ कि अब यहाँ पे हमारा इट विल आस्क इफ यू वांट टू ओपन द न्यू विंडो, रिमोट रिपोजिटरी विल बी क्रिएटेड एज अ सब फोल्डर। सब फोल्डर बन गया था जो हमने फोल्डर दिया था उसका सब फोल्डर बन गया। अब इस पे अगर हम आकर स्टेटस चेक करें और लॉग वगैरह चेक करें तो क्या आएगा? अब ये इसमें टर्मिनल नहीं खुला हुआ तो मैं कंट्रोल टिक से टर्मिनल खोलूंगा इसका, बैक टिक का जो एक इसमें होता है नोटेशन। अगर मैं इस पे गेट स्टेटस ऑन ब्रांच मास्टर, जो ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन रिमोट है मास्टर लोकल है। अब देखें इसमें हमें गिट इनिशियलाइज नहीं किया हमने, क्लोन करने से गिट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो गई है और साथ ही जो कमिट्स वगैरह थे वो भी सारे नहीं डाउनलोड हो गए हैं, तो इसके पास भी पूरा रिकॉर्ड है कौन सा कमिट कब हुआ था। अगर मैं गिट लॉग देखता हूँ जो कि कमिट का लॉग बता रहा होता है, तो आपको नजर आएगा कि जो स्टार्ट नाम का कमिट था यहाँ भी आ गया। क्लोनिंग का ये फायदा है क्योंकि बिल्कुल डिटो कॉपी आ जाएगी। और यहाँ पे हेड हाँ ये ना आता, अब ये लॉग ना आता इस तरीके से, और कुछ ना कुछ मिस हो जाता, कुछ ना कुछ कंप्लीटली ना आता, कुछ ना कुछ मिस हो जाता, उससे कोई ब्रांच मिस हो जाती, कुछ ऐसा हो जाता। गेट ब्रांच ऑल ऑल ही था ना, ब्रांच तो ये हमें नजर आ रहा है कि जो पुल होने के बाद मास्टर और ये रिमोट ओरिजिनल ओरिजिन मास्टर के साथ मैप हुआ हुआ है, तो बेसिकली लिंक हो जाते हैं, मैप्स हो जाती हैं, तो मैपिंग हो जाती है इनके आपस में। हाँ मास्टर, इसका मास्टर मास्टर ये एक्चुअल जो ग्रीन में नजर आ रहा है ना, स्टार का मतलब होता है कि इस वक्त करंट ब्रांच हमारी मास्टर है, और ये लिंकेजेस बता रहा है कि रिमोट के साथ ओरिजिन मास्टर से लिंक हुई हुई है। नहीं नहीं दोनों हेड हेड होता था मास्टर, हेड क्या होता था, हेड ब्रांच होती थी, सर हेड इज अ पॉइंट पॉइंटर, कर हेड इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द करंट ब्रांच, करंट इफेक्ट मास्टर है तो हेड मास्टर को ब्रांच, यहाँ भी ये हेड देखेंगे तो मास्टर को पॉइंट कर रहा है ना, ये मास्टर है ना और ये हेड है, हेड मास्टर को ही पॉइंट कर रहा है, यहाँ भी पता चल रहा है हेड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मास्टर, लेकिन मास्टर आगे फर्दर मैप हुआ हुआ है ओरिजिन मास्टर के साथ, और ये ओरिजिन हेड भी साथ आ रहा है। ओरिजिन हेड नॉर्मली यूज नहीं होता, ओरिजिन मास्टर का मतलब है कि ये ओरिजिन और मास्टर आपस में मैप हुआ हुआ है।
अच्छा, अब हम ये काम करते हैं कि जहां पे हमने क्लोन किया प्रोजेक्ट वहां पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। ये मैंने फाइल क्रिएट की, फाइल क्रिएट करके मैं इसमें कुछ कंटेंट डालता हूँ, बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, ये मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया उसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं फाइल सेव की, अब मैं ग्रिड ब्रांच ऑल करूंगा जो मैंने ऑलरेडी आपको ऑल करके कर दिखा दिया। अब मैं इसको कमिट करता हूँ यहाँ पर, तो फिर वही गिट एड डॉट और गिट कमिट करके कोई ना कोई मैसेज मैंने डालना है, तो मैं मैसेज डालूंगा एडिड स्टाइल शीट। तो यहाँ पे जाके सबसे पहला स्टेप मेरा होगा गिट एड डॉट, इससे वो स्टेज हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि गिट कमिट एम, और स्टार्ट के बजाय मैं कहता हूँ स्टाइल शीट एडिट, या क्रिएटेड भी कह सकते हैं। ये मैंने एक क्रिएट कर दिया, एक और कमिट क्रिएट कर दिया। अब मैं अगर दोबारा लॉग देखूंगा तो मुझे लॉग से कमिट्स का लॉग आता है, गिट लॉग। तो आपको नजर आ रहा है कि जो लेटेस्ट लॉग जो कमिट है वो ये है, इसका नाम हमने मैसेज डाला हुआ था स्टाइल शीट एडिट, और उससे पहले जो कमिट था वो स्टार्ट था। इसका जो ये जो आईडी है ये इस कमिट की है, स्टाइल शीट एडिट की, और ये वाली जो आईडी है ये इसकी स्टार्ट वाली की है, कमिट है। अब ये कि ये जो हमने जो भी चेंजेस किए हैं ये आपकी, उसके साथ अगर मैं गेट स्टेटस देखता हूँ, गेट स्टेटस देखता हूँ तो क्या बताएगा ये, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन मास्टर से आगे है, यानी इसमें चेंजेस लेटेस्ट हैं। ये आपको स्टेटस से बता रहा है कि योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाई वन कमिट, एक कमिट आप आगे हैं। यूज गिट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट्स, इससे क्या होगा कि ये लोकल रिपोजिटरी पे चला जाएगा। तो ये स्टेटस आपको करके दिखाया मैंने, लॉग दिखाया चेक करके। अब मैं गिट पुश कर देता हूं, गिट, हाँ लोकल ब्रांच जो है ना वो अहेड है, यानी कि इसमें चेंजेस लेटेस्ट पड़ी हुई है, जो आपकी ओरिजिन मास्टर में चेंजेस हैं वो पुरानी है। ओरिजिन मास्टर में हमारा एक कमिट पड़ा हुआ है, इसके अंदर अब दो कमिट पड़े हुए हैं, तो ये एक कमिट आगे है। हाँ क्लोन के अंदर, और उसके बाद कमिट किया हमने, तो वो तो कमिट टू कमिट देख रहा होता है ना, उसने कहा जी इसमें ओरिजिन मास्टर में एक कमिट पड़ा हुआ है, इधर दो कमिट पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है ये जो है ये एक कमिट आगे है, ये बता रहा है। अब मैं पुश करता हूँ, अब कुछ चेंजेस आई। अब मैं जाता हूँ गिटहब पे देखता हूँ क्या हुआ, कुछ वहां भी कुछ चेंजेस आई हैं कि नहीं आई। तो ये मेरी यहाँ पे एक कमिट नज़र आ रहा है मुझे, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो यहाँ दो कमिट नज़र आ रहे हैं मुझे अब, और दो फाइलें नज़र आ रही हैं और दो कमिट नज़र आ रहे हैं। अगर मैं कमिट खोलता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि एक कमिट पे, एक कमिट का नाम है स्टाइल शीट एडिट और एक कमिट का नाम है स्टार्ट। अगर इस कमिट को मैं खोलूँ तो क्या नजर आएगा मुझे, मुझे नजर आ रहा है कि पहले कुछ नहीं था लेकिन अब ये कंटेंट ऐड हुआ है इसके अंदर, तो कंटेंट का सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है ये। और इसके अंदर मैंने पहले भी कुछ नहीं डाला था, इसे अभी अभी तक ब्लैंक फाइल चल रही है, तो इसके प्रीव्यू में भी मुझे एम्प्टी फाइल लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पर। तो पुश करने से क्या हुआ, वापस हमारी गिटहब में चीज़ें आ गई हैं, और अब गिटहब इस जो लेटेस्ट कमिट है उस पे है। अब जो हमारी दूसरी है जिसने उसको क्लोन किया था वो पीछे है, अभी वो पीछे है। तो
कर सकते हैं, पूरे मैसेज आप बना सकते हैं, वो मैसेज आ जाएगा। स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग आपको दी हुई है, आप स्ट्रिंग डाल देंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है कि स्टाइल शीट भी ऐड हो गई है। फेच चेंजेस इन द ओरिजिनल प्रोजेक्ट, जो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अब उसमें चेंजेस फेच करनी है हमने। तो इसमें एक ग्रुप होता है, गिट फेच करते हैं, तो एक गिट पुल होता है और एक गिट फेच होता है। फेच जो होता है ये दो स्टेजेस में करता है, पहले ये लेके आएगा लोकल रिपोजिटरी में, लेकिन आपका वर्किंग ट्री में नहीं लेकर आएगा फेच, लेकिन पुल वर्किंग ट्री में डायरेक्ट ले आता है। तो पहले फेच वाला आपको दिखाता हूँ मैं, गो टू ओरिजिनल प्रोजेक्ट और वहां पे गिट फेच लिखता हूँ मैं। ये मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आके मैं गिट फेच लिखने लगा हूँ। उसी में फाइल फाइल क्लोन क्लोन वाले में हमने एक फाइल ऐड की है, तो उस नई फाइल डाली है, और अब हमने जब पुश किया उसको तो गिट हब पे वो चेंजेस चली गई हैं। पेरेंट नहीं, गिट हब पे चली गई हैं, जो कि क्लाउड पे रिपोजिटरी पड़ी है उस पे चली गई है ना, सेंट्रल रिपोजिटरी पे चली गई है। उस पे अब मैं अब विंडो वो वाली खोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ चेंजेस नहीं आई अभी, वो एज इट इज वो विंडो खोल रहा हूँ, वहां उससे वहां पे आके मैं पुल करूंगा गिट हब से, फिर चेंजेस आएंगी। समझ रही हैं? क्लोन वाले से मैंने नई फाइल क्रिएट की, जो क्लोन बाद में क्रिएट किया था प्रोजेक्ट, उसको मैंने पुश कर दिया गिट हब पे, चली गई चेंजेस, लेकिन वो चेंजेस अभी ओरिजिनल वाले में नहीं आई। या मैंने ओरिजिनल वाली विंडो खोली है, इसमें देखे सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नजर आ रहा है, अब वो चेंजेस मैंने यहाँ पे खींचनी है। तो मैं लिखता हूं गिट फेच, गिट रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच, गो टू रेंज प्रोजेक्ट, गिट गेट फैच। ये मैंने फैच किया, तो आपको नजर आएगा कि फैच करने से यहाँ पे वो फाइल नहीं आई। इसका मतलब यह कि जो फैच जो होता है ना, ये पहले लोकल रिपोजिटरी में लेके आता है, लेकिन ये वर्किंग ट्री है हमारा, वर्किंग ट्री में अभी चेंजेस उसने नहीं की। फैच आधा काम करता है, फैच आधा काम करता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके अब स्टेटस चेक करूँगा तो मुझे क्या बताएगा, तो स्टेटस में बता रहा है यू आर ऑन ब्रांच मास्टर, योर ब्रांच इज बिहाइंड ओरिजिन मास्टर, क्योंकि इस पर रिकॉर्ड आ गया है लोकल रिपोजिटरी में कि वो लोकल रिपोजिटरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो लेटेस्ट है, और वर्किंग ट्री में इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट नहीं है। तो उसने डिटेक्ट कर लिया है कि आप योर ब्रांच इज बिहाइंड ओरिजिन मास्टर बाई वन कमिट एंड कैन बी फास्ट फॉरवर्डेड, यूज गिट पुल टू अपडेट योर लोकल ब्रांच। तो गिट पुल करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पुल पुल दो काम दोनों काम करता है, फेच भी करता है और अगला काम भी कर रहा होता है। लेकिन इसके लिए जो इसके साथ जो पेयर में कमांड यूज की जाती है वो कमांड है मर्ज की, गिट मर्ज जब हम करते हैं तो वो फिर इस साथ ओरिजिन मास्टर को मर्ज, ओरिजिन को मास्टर के साथ मर्ज कर देगा। ओरिजिन रिमोट है ना और मास्टर माइंड लोकल है, इसको सब मर्ज कर देगा। तो मैं लिखता हूँ अब आगे गिट मर्ज ओरिजिन मास्टर, मर्ज करके तो फिर वर्किंग ट्री हमारा अपडेट हो जाएगा मर्ज करने से। तो ये देखिए स्टाइल शीट आ गई है यहाँ पे अलोंग विद इट्स कंटेंट। कई दफा जरूरत पड़ जाती है, कई दफा आप डिले करते हैं कि जी अभी फिलहाल लोकल रिपोजिटरी में ले हैं, बाद में हम आगे लेकर आएंगे कुछ। और हमने लोकली यहाँ पे पुल करके या मर्ज करके सेपरेट
अगर कुछ चेंजेस हमने इस ओरिजिनल प्रोजेक्ट में कर दी और किसी ने क्लोन करके उधर गिटहब पे पॉजिटिव भी चेंज कर दिया, अब जब ये बल्क होता दोनों चेंजेस को वाइप करना क्या उस पे चला जाता है? इसका जो मैकेनिज्म है ना, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, होता ही है कि आप जो जब आप कोलेबोरेशन में काम कर रहे होते हैं ना, तो आप सुबह सुबह आते हैं ना, जब आके तो आप फ्रेश पुल कर लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं आप, और जब शाम को आप छुट्टी करते हैं उसके बाद आप पुश कर देते हैं लोकल रिपोजिटरी में, ठीक हो गया, दरमियान में नहीं आप पुल नहीं, बार बार पुल नहीं करते आप, और पुश कर देते हैं वहाँ पर, और फिर सुबह आके फिर पुल करते हैं, शाम को छुट्टी करते हैं तो पुश कर देते हैं, ये सारा मैकेनिज्म ऐसे चल रहा होता है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट आएंगे तो जो गिटहब की रिपोजिटरी में वो कन्फ्लिक्ट जो हैं वो रिजॉल्व होंगी, जो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर सकते हैं ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देता है, या फिर आपको पॉइंटर दे देता है, तो जो भी ओनर होता है गिटहब की जो रिपोजिटरी बनी होती है उसके पास नोटिफिकेशन चली जाती है कि कुछ ये कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं आप इसको रिजॉल्व करें, इस तरह चल रहा होता है सिस्टम। चेंजेस वहाँ पे हो गई, नहीं वो नहीं करेगा ना, वो तो गिटहब पे जो लेटेस्ट था वो उसने उठा लिया, फिर प्रोसेस को दोबारा करना पड़ेगा, अब कोई नोटिफिकेशन देगा जी मैंने फिर चेंजेस कर दिए तो अब अभी पुल करें क्योंकि अभी काम करना है, फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन हो सकती है, अब कहते हैं ये फौरी तौर पर काम करना है, आपको नोटिफाई करेगा दूसरा डेवलपर कि जी मैंने चेंजेस किए हैं इसको भी करना है, तो आप काइंडली थोड़ा फ्रेश फेच करें या पुल करें जो भी करना, तो आप उसको ये भी काम करें तो वो फिर इस तरह चलेगा काम। और अब अगर मैं स्टेटस चेक करूंगा तो अभी आ रहा है कि यू ऑन ब्रांच मास्टर, जो ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मास्टर, बता रहा है गिटहब के साथ आप सिंक हैं इस वक्त, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन, यानी कोई चेंजेस ऐसी नहीं है जो कि ऑलरेडी अनकमिटेड चेंजेस कोई आपके पास नहीं है इस वक्त। अच्छा जी, इसके बाद हम ये करते हैं कि हम जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है इसमें हम कुछ और कंटेंट डाल देते हैं, ये मैं H1 कलर वाइट टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर स्टाइल शीट में डाल देता हूँ, H1 और कलर वाइट और दूसरी क्या चीज है हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो हमने एक और इसमें एलिमेंट डाल दिया H1 के नाम से। अब हम इसको पुश कर सकते हैं, जो हमने पीछे सीखा है कि पुश किया हमने, तो इसको हम पहले ऐड कमिट करेंगे फिर पुश करेंगे, क्योंकि पहले वो लोकल रिपोजिटरी में आना चाहिए, पहले स्टेजिंग होगी फिर लोकल रिपोजिटरी में आएगा और उसके बाद पुश करना है। तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ गिट ऐड डॉट, फिर गिट और कमिट, और क्या मैसेज डाला हुआ है यहाँ पे हमने, एडिड H1 एडिड, ये मैंने इसको कमिट कर दिया। अगर मैं एक दफा इसका लॉग चेक कर लूँ टू वेरीफाई, तो आपको नजर आ रहा है कि सबसे लेटेस्ट कमिट हमारा H1 एडिड है, इसके बाद अगला कमिट स्टाइल शीट एडिड है, उसके बाद वाला और उसके बाद वाला स्टार्ट है, तीन कमिट इसके अंदर आ गए हैं। अब मैं इसको पुश कर देता हूँ गिटहब पर। उसको भी नजर आएंगे जब वो पुल करेगा ना, हमारे कमिट्स जब हम पुश करेंगे ना तो हमारे कमिट्स भी साथ ही जाएंगे, कंटेंट भी जाएगा, कमिट्स भी सारे जाएंगे, पूरा रिकॉर्ड जाएगा, पूरा हमारा लोकल पूरा रिकॉर्ड चला जाएगा गिटहब पे पुश करने के बाद, पहले नहीं। सर, इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं कि हम ये क्लोन है या ओरिजिनल?
वो मैं नाम से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, यहाँ गिट गिट अप नाम रखा हुआ है, और दूसरी विंडो पे, ये दूसरी विंडो है मेरी, ये गिट अप डेमो रेपो, ये मैं बाई नेम कर रहा हूँ उसको। तो ये मैंने किया, अब मैं देखता हूँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेट मी वेरीफाई। मैं यहाँ पे भी अब हमें नजर आ रहा है कि ये कितने कमेंट्स हैं, 2 कमेंट्स हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ अगर इसको, तो एक H1 एडिट भी आ गया इसके अंदर, पूरा रिकॉर्ड कमिट का जो लोकली था वो यहाँ पर आ गया, कंटेंट भी आ गया, कमिट रिकॉर्ड भी आ गया। अब जब दूसरा इसको पुल करेगा तो उसको भी कमिट का रिकॉर्ड भी साथ आएगा, कंटेंट भी आएगा, कमिट रिकॉर्ड भी साथ आएगा। एड डॉट, फिर कमिट किया, मैसेज मैसेज डाला, फिर हमने पुश किया, 3 स्टेप में गिटहब में। लोकली सिर्फ जब काम कर रहे हैं आप, फिर आपने दो स्टेप में करना है, कुछ नहीं करना, ऐड और कमिट करते जाना है आपने। तो यहाँ पे 3 कमिट आ गए हमारे पास। अब हम जो क्लोन वाला प्रोजेक्ट है उसमें अब हम पुल यूज करते हैं। पुल अभी मैंने यूज नहीं किया था, मैंने फेच और मर्ज यूज किया था। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फेच प्लस मर्ज, आई एम गोइंग टू यूज गिट पुल। तो यहाँ पे मैं ये दूसरा वाला, ये वाला मेरा क्लोन प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे पहले मैं वैसे स्टेटस चेक करता हूँ, क्योंकि अभी इसको नहीं पता कोई चेंजेस हुई हैं कि नहीं हुई, क्योंकि कुछ भी हमें रिकॉर्ड नहीं है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। अब मैं करता हूँ गेट पुल, ठीक है, ये कुछ प्लस प्लस आ गए, 6 चेंजेस हुई हैं, 5 इंसर्शन हुई हैं, 1 डिलीशन हुई है, और चेंजेस इंसर्शन डिलीशन सारे तीनों तीन काम कर रहा होता है। कुछ मॉडिफिकेशन हुई है वो करेगा, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं वो ऐड करेगा, कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं वो डिलीट करेगा। तो ये कर दिया। अब मैं अगर अगर मैं देखूंगा तो ये स्टाइल शीट आपको नज़र आ रही है, H1 आ गया यहाँ पे, ये पूरी स्टाइल शीट फुल हो गई है। तो एक ही कमांड से दोनों काम हो गए हैं। अगर दोबारा मैं स्टेटस चेक करता हूँ तो ये कह रहा है जी, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मास्टर, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। अच्छा जी, अब अगर अभी आप दोनों जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं इनकी वो लिंक हुई हुई हैं, इनकी जो ब्रांचेज हैं ये रिमोट से लिंक हुई हुई हैं, ये लिंक हम ब्रेक कैसे करेंगे? अगर ब्रेक करना है हमने तो रिमूव लिंक बिटवीन रिमोट रिपोजिटरी ऑन गिटहब एंड डेस्कटॉप प्रोजेक्ट। तो हम ये कमांड यूज करते हैं, गिट रिमोट RM ओरिजिन। तो अगर मैं अभी यहां पे करता हूं गिट ब्रांच ऑल, तो मैं नजर आ रहा है बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। अब मैं कहता हूँ गिट रिमोट RM ओरिजिन, अब मैं गिट दोबारा ब्रांचेस लेता हूँ, तो आपको नजर आ रहा है कि वो उसका लिंक ब्रेक हो गया, अब सिर्फ मास्टर ब्रांच लोकल शो कर रहा है, ये सिर्फ लोकल ब्रांच को शो कर रहा है, इसका अब लिंक हमने गिट से ब्रेक कर दिया है, इसका लिंकेज खत्म कर दिया हमने। यही काम हम दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, ये वाली कमांड हम उधर भी यूज कर सकते हैं, गिट रिमोट ओरिजिन। तो ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, अगर मैं गिट ब्रांच ऑल करता हूं तो ये ब्रांच Master 1 है, और एक जो पहले से ऑलरेडी बनी हुई ब्रांच है वही अवेलेबल है, रिमोट सारी लिंक ब्रेक हो गया है।
और लेट्स पुश न्यू कंटेंट इन वन प्रोजेक्ट। अच्छा जी, इसके बाद ये मैंने क्यों किया है, सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड यहां पे। अब अगर मैंने, अब ये मैंने क्यों ये डेमो डाला कि हमें अगर क्लोन नहीं करना तो फिर हम क्या करेंगे, हम अभी लिंक ब्रेक हुआ होगा तो मैं फॉर एग्जांपल कुछ चेंजेस कर देता हूं यहां पे एक प्रोजेक्ट में, तो लिंक नहीं क्रिएट हुआ हो तो फिर हम यहां पे फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूं पी और कुछ डाल देते हैं फॉन्ट फैमिली, ये कुछ डाल दिया हमने। इसके बाद हम कुछ और डाल देते हैं फॉन्ट साइज, मीडियम, कंट्रोल एस किया। अब ये लिंक ब्रेक हुआ हुआ है, अब मैंने पुश करना है उस पर, तो फिर मुझे इसका ये कमांड यूज करनी, पहले मैं इसको ऐड कमिट करूंगा, जो मैंने करना है वो काम जरूरी है क्योंकि वो लोकली गेट एड डॉट गेट कमिट पी एडिट, इसमें मैंने कमिट कर दिया। अब मैं जब गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर, फेच ओरिजिन अपीयर टू बी गिट रिपॉजिटरी कुड नॉट रीड द रिमोट रिपॉजिटरी। अच्छा, पहले हम कनेक्शन हमने क्रिएट करना पड़ेगा दोबारा, जो हमने पहले किया था ना, ये वाला कनेक्शन जो है, ये एक, सॉरी ये एक मैं स्किप कर गया हूँ इसको। तो ये काम हमने, लेट्स कनेक्ट बोथ प्रोजेक्ट्स विद द रिमोट रिपॉजिटरी, ये गिट रिमोट, और ये मैंने वहीं से लिंक उठाना पड़ेगा मुझे। नया भी डाल सकते हैं, नया भी डाल सकते हैं, और कहाँ गया मेरा गिट रिपॉजिटरी, यही वाली है ना। तो इस रिपॉजिटरी के मैं अब वो इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए मुझे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाके यहाँ पे मुझे उसकी, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कहीं पे मुझे मिलेगी, कहाँ गई इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन, चले वो मैं फिर मैं देख लूँगा कहाँ पर है वो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे दोबारा वाली जो ओरिजिनली नज़र आई है ना, वो हम फिलहाल यहाँ से उठा लेते हैं और फिर उसको हम, मैं फिर बताऊँगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा वरना। यहाँ से हमने कहाँ पे डाला था वो, कौन सा वाला प्रोजेक्ट है, ये रेपो वाला है ना, दूसरे वाले में डाला था पहले, ये वाला, ये गेट, ये वाला, ये वहां पे होगा लेकिन वो भी सब मुझे मिल नहीं रहा। इसको मैं दोबारा यहां पे करूंगा, ये लिंक दोबारा एस्टेब्लिश हुआ है, और उसके बाद अगर मैं अब इसको स्टेटस चेक कर लूं,
स्टेटस गेट ये रिमोट आ रहा है यहाँ पे गिट ओरिजिन के नाम से, गिट रिमोट माइनस वी, और ये दोबारा लिंक हो गया उसके साथ, ये ओरिजिन फेच नजर आ रहा है हमें। और इसके बाद हम ये इसको हम क्या करेंगे, चेंजेस यहाँ पे किए हैं तो इसको हम पुश कर देते हैं। मेरे ख्याल गेट पुश भी चल जाएगा क्योंकि लिंक कर दिया हमने। लेट्स सी, देख लें एक दफा करके। नहीं, गेट पुश। ओहो यार, गेट पुश। अच्छा, वो पूरा वो डालना पड़ेगा जो कमांड है इसकी, गेट पुश की। फर्स्ट टाइम डिमांड आपको कमांड पूरी डालनी पड़ेगी। ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है गिट, ये गिट पुश ओरिजिन मास्टर, फर्स्ट टाइम पूरी डालनी पड़ेगी। और अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रिपोजिटरी में H1 एडिट आ गया इसके अंदर, कमिट लेटेस्ट कमिट जो नजर आ रहा है हमें। बॉडी और H1 पी एडिट, इसका स्टेटस चेक कर लें क्या है यहाँ पे, गिट लॉग पी एडिट है स्टार्ट। अच्छा 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 ठीक है। इसको मैं इसके साथ भी वही मुझे वाली कमांड लिखनी पड़ेगी जो उस पर लिखी थी, ठीक है, क्योंकि इसको भी मैंने लिंक करना है। गेट चले, बहरहाल ये इस पर स्टेप बाई करेंगे ना, सारा मैंने किया हुआ है। अभी इस वक्त थोड़ा सा टाइम फिर वेस्ट हो रहा है, तो आगे थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं। तो एक ये दो कमांड रह गई हैं, हैं वो, ये रिपीटेशन हो रही है सिर्फ, लेकिन है कि वो सिर्फ के क्लोनिंग के बगैर कैसे करेंगे, ये बेसिकली स्लाइड ये बता रही है। इसमें स्टेप बाई करेंगे थोड़ी, वो मैंने एक्चुअली यहाँ मिस कर दिया, ये स्लाइड करनी थी पहले, उस मिस होने से फिर सारा वो आगे पीछे हो गया। तो हम आगे चलते हैं। गिटहब में और इसके अलावा जो हम देख रहे हैं लोकल रिपोजिटरी और गिटहब रिपोजिटरी के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, ब्रांचेस अब पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, इसके अलावा भी बेतहाशा फीचर्स हैं। इट हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम, इसमें बहुत से और बहुत सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो उनका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ ताकि आपको थोड़ा इसका आइडिया हो। तो जो चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हैं फोर्किंग एंड पुल रिक्वेस्ट, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस करेंगे। फिर गिटहब पे इश्यूज का एक फीचर है, वो क्या होता है। फिर गिटहब में प्रोजेक्ट्स हैं, फिर विकीज हैं इसके अंदर, फिर कोड स्पेसेस हैं, जिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं इसके अंदर, और एक्शंस।
तो बहुत सी चीजें, इन सबको हम थोड़ा थोड़ा अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है, फोर्किंग और पुल रिक्वेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। फोर्क में ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी और रिपोजिटरी को, अगर मैं अपनी सारी रिपोजिटरीज आपको दिखाऊं तो आपको नजर आएगा ये मुख्तलिफ रिपोजिटरी है मेरी उस कोड स्पेस से पड़ी हुई है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ड्रेसडन ओसीएल, ओसीएल का एक वो काम एक किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है फोग्ड फ्रॉम ड्रेसडन ओसीएल। तो ये अलग से गिट्स हब की रिपोजिटरी है, उसको जब मैंने वहां जाके फोर्क किया है तो ये पूरी पूरी रिपोजिटरी मेरे पास आ गई है। तो फोर्किंग क्या है कि किसी भी और रिपोजिटरी से आप कोड उठा के रिपोजिटरी को अपने पास लाना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड फोर्किंग। तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा आपके पास आपकी रिपोजिटरी के अंदर। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्किंग। आमतौर से फोर्किंग का ये भी मैकेनिज्म होता है कि आपने, हो सकता है कि आप फोर्क किया, आप यूज कर रहे हैं और लेटर ऑन आप कहते हैं कि यार इसमें कुछ आए, मुझे कुछ समझ आई है इसको यूज करके, इसमें कुछ कमी है, कोताही है, कोई बग्स हैं, तो मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करता हूँ ओरिजिनल जो ओनर्स हैं। तो आप फिर क्या करते हैं कि आप जब आपने इसको अपनी रिपोजिटरी बना ली है और अब आपने लोकल डेस्कटॉप पे काम करना है तो आप वही काम करेंगे, इसको पहले प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे अपने पास। जब आपके पास क्लोन हो जाएगा फिर आप उसमें कोई चेंजेस करेंगे, चेंजेस करके वापस उन चेंजेस को आप पुश करेंगे। लेकिन अब चेंजेस जब आप पुश करेंगे उसके बाद आप कहते हैं जी जो ओरिजिनल है ऑथर उसको मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि इसमें आप ये मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं तो ये मॉडिफिकेशन आप जो है ना इसमें इनकॉर्पोरेट करें अगर आप मुनासिब समझते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, आप ओरिजिनल जो ओनर है उसको आप चेंजेस की रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसको पुल रिक्वेस्ट कहा जाता है। कि आप उसको कहते हैं कि यार मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी चेंजेस को पुल कर लें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पुल रिक्वेस्ट। तो आमतौर से ये फोर्किंग और पुल रिक्वेस्ट ये साथ साथ चल रहे होते हैं। आप जो प्रोजेक्ट आपने फोर्क किया होता है कहीं किसी और रिपोजिटरी से, फिर आप उसको कहते हैं कि जी आप इसको मेरी चेंजेस को आप पुल करें अपने पास। तो वो देखेगा कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, चेंजेस ठीक है नहीं ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेगा। उसके बाद ही विल टेक अ डिसीजन कि मैंने आपकी सजेस्टेड चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी है कि नहीं करनी है। जब वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेगा तो सारी उसको फैसिलिटी मिलेगी जिसके ज़रिए वो फिर उस पुल रिक्वेस्ट को अगर एक्सेप्ट करेगा तो पुल कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है पुल रिक्वेस्ट और फोर्किंग का। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फोर्क एंड क्लोन, फर्स्ट यू टिपिकली फोर्क द टारगेट रिपोजिटरी दैट योर गिटहब अकाउंट रिपोजिटरी टू योर गिटहब अकाउंट क्रिएटिंग योर ओन कॉपी। तो आपने क्या किया, एक और आपने फोर्क करके अपनी कॉपी बना ली है अपने पास। देन यू क्लोन योर वर्क टू योर लोकल मशीन, अपनी मशीन पे क्लोनिंग कर लिया आपने टू वर्क ऑन इट। आमतौर से हम करते हैं कि नई ब्रांच क्रिएट करते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच इन योर लोकल रिपोजिटरी फॉर योर चेंजेस। तो जनरली ब्रांचेस हम यूज़ करते हैं तो हम एक, क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन करें तो नई ब्रांच में मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर आपकी मॉडिफिकेशन आप देखते हैं कि सूटेबल है तो फिर अपनी मेन ब्रांच में आप या मास्टर ब्रांच में मर्ज करवा कर लेते हैं। तो जो भी चेंजेस करते हैं रिकमेंडेड ये होता है कि नई ब्रांच क्रिएट करके उसमें चेंजेस करें। This keeps your work separate from your main development line. अब आप make changes and commit. आप क्या करेंगे, after making your changes, you will commit them to your branch and documenting. इस branch का मतलब है कि आप master normally master branch में वापस से merge कर लेते हैं अगर आप समझते हैं changes ठीक है मेरी। तो documenting whatever you have altered. उसके बाद आप changes को वापस push करेंगे फोर्क वाली रिपोजिटरी के अंदर। यू विल पुश योर चेंजेस टू योर गिटहब फोर्क। अब आप ओपन पुल रिक्वेस्ट करेंगे, पुल रिक्वेस्ट को ओपन करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे कि ओरिजिनल रिपोजिटरी में जहां से आपने फोर्किंग की थी एंड दैट लेट्स प्रोजेक्ट मेंटेनर नो दैट यू हैव चेंज समथिंग।
मेड सम चेंजेस। वो क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा, अगर रिव्यू उसको ठीक लगता है, चेंजेस ठीक लगती है, तो वो मर्ज कर लेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट मेंटेनर रिव्यूज योर चेंजेस, इफ दे अप्रूव द चेंजेस दे विल मर्ज योर पुल रिक्वेस्ट इनटू द प्रोजेक्ट। तो एक ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी गिटहब पर अवेलेबल है। हाँ हाँ, बड़ा सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट है पुल रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए। वो भी हो सकता है कि वो ना मैनेज करे, वापस आपको भिजवा सकता है कि जिसमें अगर एडिशनल ये फलां फलां चेंजेस आप कर दें तो फिर हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो वो आप जरूरी नहीं है, आप रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं कि नई चेंजेस करनी या फलां अगर इम्प्रूवमेंट कर दें तो फिर हम कर लेंगे। तो ये सारा पूरी कम्युनिकेशन आपको फैसिलिटी देता है। इसकी ये नीचे आपको वीडियो नज़र आ रही है पुल रिक्वेस्ट की, ये वीडियो लिंक दिया हुआ मैंने, इसको आप देख लेंगे, 5-6 मिनट की वीडियो होगी, आपको उसका पूरा डेमो सा मिल जाएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इश्यूज जनरली यही होते हैं, जैसे आपने जीरा में भी थोड़ा सा मैंने आपको डेमो दिया था, इशू का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। तो जीरा में जो हम उसके अंदर वो बनाते हैं डिफरेंट, हम टास्क वगैरह क्रिएट करते हैं, उनको हम इश्यूज कहते हैं बेसिकली। इश्यूज की कई टाइप्स होती हैं, जैसे बग इज इशू टाइप, स्टोरी पॉइंट इज अ इशू टाइप, इशू काइंड ऑफ इशू, इस तरह करके। इसमें भी इशू का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। आप कोई एक इशू क्रिएट करते हैं, व्हाट इज गिटहब इशूज, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ गिटहब रिपोजिटरी। तो किसी एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी में आप इशू क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रैक आइडियाज, एनहेंसमेंट्स, टास्क और बग्स फॉर वर्क ऑन गिटहब। तो आप कोई इशू क्रिएट कर देते हैं कि जी ये फ्लाम ये बग गया है, इस तरह की चीज़ है, तो दिस इज व्हाट इज एन इशू। इशू जैसे ही आप क्रिएट करते हैं उसको एक डिफॉल्ट नंबर अलॉट हो जाता है, #1 जैसे डाला हुआ है। तो जब भी इशू अलॉट होगा उसको एक डिफॉल्ट नंबर मिल जाता है, उस नंबर से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। जो इसमें चीज़ पावरफुल है वो ये चीज़ है। इसके आप नीचे लिंक नज़र आ रहा है इशू के डेमो का। इसके की फीचर्स क्या हैं, आप असाइनीज होते हैं, आप असाइन कर सकते हैं वो वाला इशू के जी फलां बंदे को, कि जी इसको आप ठीक करें। आप डिफरेंट लेबल्स उसको असाइन कर सकते हैं, आप कहते हैं कि जी इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी हाई है, लो है, इस किस्म के लेबल्स आप असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर खोलूँ तो ये इश्यूज नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये दो इश्यूज फॉर एग्जांपल मैंने खोले हुए हैं। तो ये एक इशू है, इसको नंबर 7 मिला हुआ है, नीचे वाला इशू है इसको नंबर 1 असाइन हुआ हुआ है। अगर इस इशू को मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे मैं आई कैन असाइन ही, इसको मैं एडिट पहले करूँगा, एडिट करके तो यहाँ से एडिट, तो इसको मैं असाइनी अलॉट कर सकता हूँ, लेबल असाइन कर सकता हूँ। लेट मी क्रिएट अ फ्रेश इशू, मैं यहाँ से एक न्यू इशू क्रिएट करता हूँ, इशू फिक्स XYZ बग, और कोई भी टाइटल मैं डाल दूंगा इसके अंदर। इसमें पूरा आपको बोल्ड हेडिंग नज़र आ रही है, पूरा आपको इवन इमेजेस पेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर आप ला के। और यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है, ये क्लिक होता है क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हुआ। ये क्लिक होगा तो आप यहाँ से माइलस्टोन असाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं, लेवल असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त क्या वजह हो सकती है, हुँ?
नहीं, ये मैं सारा टेस्टिंग करके आया हूँ, लेकिन सबमिट करूँगा। इस पे डिफरेंट कमेंट्स चल चल सकते हैं सीक्वेंस से। अब ये जैसे ही क्रिएट होगा, ये ओपन लिखा हुआ आ जाएगा इसमें, ठीक है। बहरहाल इसमें असाइन असाइन कर सकते हैं। इस वक्त मुझे नहीं पता क्यों ये रीड ओनली हुआ हुआ है, समझ नहीं आई मुझे क्या वजह है। काम कर रहा होता है वैसे, ये सारे मैंने क्रिएट किए हुए हैं इशूज। अच्छा, इसमें लेबल असाइन कर सकते हैं, माइल स्टोन असाइन कर सकते हैं। माइल स्टोन आपको पहले क्रिएट करने पड़ते हैं। माइल स्टोन अगर आप प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप माइल स्टोन क्रिएट कर सकते हैं नए। अच्छा, मैं समझ आ गया, ये एक्चुअली वो ड्रेसन ओसीएल में चला गया ना, तो वहां पे मेरे पास राइट्स नहीं है, ये चक्कर है। ये मैं अपनी रिपोजिटरी में रहूंगा तो फिर मुझे वो राइट्स नहीं दिए हुए उन्होंने मुझे। ये मैं दूसरी उनकी रिपोजिटरी में चला गया हूँ। योर रिपोजिटरीज, ये आ गया मैं यहाँ पे, और फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो वर्ल्ड रिपोजिटरी में आ रहा, ये मेरी अपनी पर्सनल रिपोजिटरी है। और यहाँ पे अगर मैं आई कैन ये इश्यूज आ गए हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये यहाँ पे मैं ये इस तरीके से मैं साइन कर सकता हूँ, लेकिन ये पहले मुझे अपना कोलेबरेटर ऐड करने पड़ते हैं। कोलेबरेटर अगर मैं ऐड करूँगा तो फिर ये मैं इसमें यहाँ पे मुझे असाइन कर सकता हूँ। सर लेबल्स मैं ऐड कर सकता हूँ डिफरेंट किस्म के, आई कैन ऐड अगर किसी प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। माइलस्टोन्स, ये एक माइलस्टोन जैसे क्रिएट किया हुआ मैंने, माइलस्टोन में ऐड कर सकता हूँ। ये सारे काम यहाँ पे हो जाएंगे। फिर ये कमेंट्स वगैरह आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेज मैंने पेस्ट की हुई है, इमेज आ रही है इसके अंदर, तो ये सारे चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। सर्चिंग कर सकते हैं, बहुत सारे हैं आपके इश्यूज अगर हैं तो। अच्छा जी, इसके बाद इश्यूज के बाद जो तीसरी चीज है, दीज आर प्रोजेक्ट्स। व्हाट आर दीज प्रोजेक्ट्स? गीटा प्रोजेक्ट्स इज अ फीचर दैट प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फीचर इतने पावरफुल हैं कि मतलब यू कैन इफेक्टिवली, इट कैन इफेक्टिवली रिप्लेस जीरा। जीरा की जगह अगर आप ये भी यूज करें तो इट गिव्स यू इक्वली पावरफुल एनवायरमेंट, जो कि पहले नहीं था। अब ये लेटेस्ट इन्होंने फीचर्स डाल दिए हैं इसके अंदर। सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू ट्रेलो एंड असाना एंड ऑफर्स विजुअल वे। की कंपोनेंट्स में बोर्ड्स हैं, कार्ड्स हैं, और आप डिफरेंट इश्यूज के साथ, पुल रिक्वेस्ट और फीचर्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स को। और इसमें बोर्ड व्यू है, टेबल व्यू है, रोड मैप व्यू है, ये डिफरेंट व्यूज आपको नजर आते हैं। फिर आप डिफरेंट इसके अंदर कोलैबोरेटर ऐड करेंगे तो कोलैबोरेटर्स को आप साइन वगैरह कर सकते हैं मुख्तलिफ टास्क। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे योर प्रोजेक्ट्स नजर आ रहा है जैसे, तो ये एक मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बनाया हुआ, एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट बनाया हुआ। तो अब उस आपको नजर आएगा काफी बैकलॉग बेसिकली कॉन्सेप्ट स्क्रम का कॉन्सेप्ट है। फिर ये स्टेटस बोर्ड है जिसमें ये आपको वर्टिकल कार्ड्स बन जाते हैं, नो स्टेटस, बैकलॉग, रेडी। फिर इसमें आप रोड मैप है जीरा में, जो आपने रोड मैप भी कहते हैं, मैं खाला जीरा में भी
जब हाई लेवल उसमें एक टाइमलाइंस वगैरह क्रिएट करते हैं, तो रोड मैप इसमें भी है, आप डिफरेंट आइटम्स ऐड करके उसके ब्रॉडर उसकी चीज़ें कर सकते हैं, फिर बग्स को ट्रैक कर सकते हैं आप, इन रिव्यू आइटम्स माई आइटम डाला हुआ, मैंने डेटा कोई नहीं डाला हुआ, लेकिन बहरहाल इट इज़ इक्वली पावरफुल लाइक जीरा। और फिर क्योंकि कोड भी इसके अंदर ही है, तो आप बड़े आसानी से कोड के साथ लिंक कर सकते हैं, कमिट्स के साथ लिंक कर सकते हैं, तो ज़्यादा आसान है इसमें काम करना। इसके बाद एक और जो चीज़ है, इट इज़ कॉल्ड विकी। विकी क्या चीज़ है? विकी भी ये आपको वीडियो नज़र आ रही है, गिटहब विकी, विकीज आर पार्ट ऑफ गिटहब रिपोजिटरीज, यानी विकी जो है हर रिपोजिटरी की अपनी विकी बना सकते हैं आप। और विकी में जल्दी होता है, जो हमारी सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन होती है वो हम विकीज के अंदर रखते हैं, बजाय इसके कि हम कोड के अंदर डाल दें। इट इज़ पार्ट ऑफ रिपोजिटरी, लेकिन हम विकीज के अंदर नॉर्मली रखते हैं। इट अलाउज टीम मेम्बर्स टू ईजिली डॉक्यूमेंट देयर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, तो जो प्रोजेक्ट है उसको डॉक्यूमेंट करने का जो इन्फॉर्मेशन है सारी आप इसके अंदर रखते हैं। विकी इज अ सेपरेट सेक्शन इन रिपोजिटरी। फ़ायदा क्या होगा? ईज ऑफ यूज है, वर्जन कंट्रोल, जो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर डॉक्यूमेंट आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रखेंगे या जो भी डॉक्यूमेंट रखेंगे उनकी भी वर्जन कंट्रोलिंग वर्जनिंग उनकी भी कंट्रोल होगा। और सर्च फैसिलिटी है, साइड बार, फुट नोट्स वगैरह, फुटर वगैरह डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसमें होम पेज का कॉन्सेप्ट है, इसमें आमतौर से सेटअप और इंस्टॉलेशन गाइड्स वगैरह ऐसा की चीज़ें रखी जाती हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन रखे जाते हैं, मीटिंग के नोट्स रखते हैं हम, रिलीज नोट्स रखते हैं, तो ये दीज सच टाइप ऑफ थिंग्स आर प्लेस्ड इन द विकी। विकी अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, तो क्योंकि ये रिपोजिटरी में होती है, तो फिर जब आप हम रिपोजिटरी खोलते हैं तो फिर आपको विकी का ये टैग नज़र आता है, ये शो करता है कि इट इज़ पार्ट ऑफ अ रिपोजिटरी। जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट मल्टीपल रिपोजिटरी को भी इंटीग्रेट कर सकता है, उसमें मल्टीपल रिपोजिटरी भी आप बीच में डॉवटेल कर सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, एक होम पेज है, ये ऐसा होम पेज है, और नए पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आप साइड बार्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपको ये साइड बार नज़र आ रही है, हाइपरलिंक वगैरह डाल सकते हैं इसके अंदर, ये एक हाइपरलिंक डाला हुआ है। और इसमें आप फुटर ऐड कर सकते हैं, तो ये साइड बार्स में मल्टीपल्स आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं आइटम्स, और नए पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मुनासिब जगह है आपकी जो सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन रखने के लिए, दैट इज़ द विकी। इंस्टेड ऑफ आप प्लेस तो कर सकते हैं उसके अंदर जहाँ पे कोड रखा हुआ आपने, वहाँ भी वर्जनिंग करेगा कंट्रोल, लेकिन इसको यहाँ पे रखना बेहतर होता है। अच्छा जी, इसके बाद जो अगली चीज है, दैट इज कॉल्ड कोड स्पेसेस। कोड स्पेसेस क्या है? कोड स्पेसेस, गिटहब कोड स्पेसेस अ क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरमेंट होस्टेड डायरेक्टली ऑन GitHub। तो इंस्टेड कि आप लोकल VS स्टूडियो में काम करें, आप डायरेक्टली इसके अंदर VS स्टूडियो कोड अपना खोल सकते हैं और उसके अंदर डायरेक्टली आप काम कर लें। जस्ट लाइक आपने अगर मशीन लर्निंग में मे भी आपने कूल ऐप पे काम किया हो या किसी और पे काम किया हो, तो वही इन्वायरमेंट GitHub पे भी अब अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड कोड स्पेसिस। और इसको मैं दिखाता हूँ आपको के ये कोड स्पेसेस में जाता हूँ मैं, तो आपको नजर आएगा कि मैं दो कोड स्पेसेस बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोड स्पेस मेरी 4 कोर 16 GB रैम 32 GB हार्ड डिस्क यूज़ कर रही है, 3.6 GB यूज़ हो रहा है। तो आई मे ओपन
इसको मैं अपनी ऑलरेडी क्रिएटेड कोड स्पेस को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इस पर डॉट नेट कोड स्पेस कन्फिगर किया है। इसमें है क्या कि इसमें ना डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप जिस इन्वायरमेंट में काम करना है वो टेम्पलेट आप क्रिएट कर लें और वो जो है आपको दे देगा, इन्वायरमेंट दे देगा। अभी खुल रहा है ये, मैंने डॉट नेट, जब जैसे ही मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया है तो ये मुझे उसने सैम्पल एप्लीकेशन दे दिया। ये बैक एंड का सब फोल्डर है एक इसके अंदर, एक इसमें फ्रंट एंड का सब फोल्डर है। ये रेडीमेड एप्लीकेशन उसने दे दिया एक एक बेसिक कोड। और क्या जिस, हाँ ये वो आ गया है, इसको मैं रन भी कर सकता हूँ। फाइल रन विदाउट, बल्कि इसमें यहाँ पे ऑलरेडी पोर्ट्स मैंने की हुई थी तो ये यहाँ पे आ रहा है। जो आपका एक फ्रंट एंड है और एक आपका कोड जो है वो AT81। इसको मैं राइट क्लिक करूँ तो प्रीव्यू इन एडिटर, ये असल में बंद हो जाती है कोड स्पेस ना, थोड़ा टाइम लेती है, फिर दोबारा इसमें ये एक इशू होता है, स्लो होती है। डेस्कटॉप पे आप ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हैं। तो इसमें फर अगर मैं नई कोड स्पेस कोई क्रिएट करता हूँ तो फिर क्या होगा, अगर मैं नई कोड स्पेस क्रिएट करता हूँ तो आपको नज़र आएगा ये ब्लैंक नज़र आ रहा है, रिएक्ट जुपिटर नोटबुक डॉट नेट, और इस तरह और भी आपको इसके अंदर ये काम नज़र आ रही है। सी ऑल अगर मैं करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि जो भी लेटेस्ट आजकल चल रहा है हर एक का टेम्पलेट इन्होंने डाला हुआ, जेंगो पाइथन का और रूबी ऑन रेल एक्सप्रेस नेक्स्ट जेएस फ्लास्क रिएक्ट पी रिएक्ट, तो जो भी आजकल जो स्टेट ऑफ द आर्ट इन कोडिंग इन्वायरमेंट्स हैं दोज आर अवेलेबल। और उसको आप खोल लें, थोड़ा सा स्लो होता है, लोकल आप थोड़ा काम तेज़ करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि हर चीज़ कन्फिगर्ड मिलेगी, कोई लाइब्रेरीज मिसिंग नहीं है इस पर, जो भी चीज़ है वो आपको कन्फिगर्ड मिलेंगी सारी लाइब्रेरीज, और ऐड भी करेंगे तो कोई मिस नहीं होगी, वो आपको ऐड भी हो जाएंगी। तो इट इज़ वेरी पावरफुल इन्वायरमेंट दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। हाँ कर सकते हैं, उसको कर लें, और अगर लोकल काम करना है तो फिर ये है कि इस पर जब करेंगे आप तो वो उस पर हो जाएगा। बल्कि इसमें एक चीज़ और भी होती है कि आप कोई फाइल अगर आपने खोलनी हो, फॉर एग्जांपल मैं रिपोजिटरी पे जाता हूँ, ये फॉर एग्जांपल पाइथन की फाइल है, तो इस रिपोजिटरी को मैं यहाँ पे होता है कोड स्पेसेस, तो आप ये पूरी रिपोजिटरी को कोड स्पेसेस में आप खोल सकते हैं, यहीं पे खुल जाएगी आपकी, और आप यहाँ पे काम करेंगे तो इसी रिपोजिटरी के अंदर वो सारे कमिट्स वगैरह जो भी करेंगे वो सारे मेंटेन हो रहे होंगे। तो आप लोकली भी काम कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी काम कर सकते हैं। इस पर अगली चीज़ है जिस्ट, जिस ये कि जिसमें आपके पास बहुत सा रेडीमेड कोड पड़ा हुआ होता है फ्रॉम वेरियस यूजर्स, तो आप उसको रेडीमेड कोड को उठा के कहीं अपने पास यूज़ करने को आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ी अच्छी यूटिलिटी है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। जिसके लिए सिंपल यहाँ पे इसका मैंने लिंक भी डाला हुआ है http gist.github.com। इसके लिए आपको लॉगिन करना भी ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि ये समझे कि पब्लिक के लिए अवेलेबल कोड कोड के स्निपेट्स हैं, तो आप सर्च कर लें, जो स्निपेट पसंद आता है तो आप उसको यूज़ कर लें। मैं स्ट्रेट वे फॉर एग्जाम्पल यहाँ डाल देता हूँ, gist.github.com। तो ये आप यहाँ पे आप अपना कोई कोड शेयर करना है आपने, या आपने खुद यूज़ करना है तो प्राइवेट कर लें, पब्लिकली भी करना है तो उसको आप पब्लिक कर लें। ये यहाँ पे आपको वो आपको अलाउ करता है कि आपने क्रिएट सीक्रेट जिस क्रिएट पब्लिक जिस पब्लिक कर लें या प्राइवेट कर लें। अब यहाँ से मैं ढूंढ भी सकता हूँ, ऑल जिस करता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एसक्यूएल सर्वर्स कनेक्ट करना है मैंने, तो मैं उसके लिए कुछ थोड़ा सा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए कुछ, तो आपको नज़र आएगा ये डिफरेंट एसक्यूएल सर्वर के कोर्स के जिस पड़े हुए हैं, तो जो मुझे रेलिवेंट है मुझसे आई कैन जस्ट पिक इट एंड आई कैन यूज़ इट, और मैं अपना शेयर भी कर सकता हूँ, अपने जिस भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये अगेन इट्स वेरी गुड फैसिलिटी विच इज़ अवेलेबल ऑन गिटहब। डिफरेंट स्निपेट्स रख देते हैं ना री यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने रख लिया है कि यार ये बार बार मेरा ये कोड जो है मेरे मुख्तलिफ वेब पेजेस में यूज़ होना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक जगह पे रख लेते हैं उसको। तो हाँ, ये क्योंकि आपका बेसिक फंक्शनैलिटी का पार्ट नहीं है ना, इसलिए आपने रिपोजिटरी में नहीं रखा है इसको, क्योंकि आपका जो रनिंग कोड है या प्रोडक्शन कोड है उसका पार्ट नहीं है ये, अलग से आपने आप समझें कि फाइल में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं आपने, जब सवाल करनी है निकाल के लगा दी, तो ये एक्सिलरी कोड है एक तरह का, तो इसको आप जिस्ट में रख लेते हैं। मैं बताया ना इसको पब्लिक भी कर सकते हैं, इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। पब्लिक कर देंगे तो आप शेयर शेयर कर लेंगे, किसी का शेयर तो होता है ना, ये ऊपर लिंक आ रहा होता है इसका, यू इसीलिए आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये टेस्ट एसक्यूएल मैंने खोला है, ये टेस्ट एसक्यूएल आ गया, तो ऊपर अब उसका पूरी आईडी आ रही है। अब इसको कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर लें इसको, तो बेसिकली लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये मकसद यही है इसका, कि आप बनाया हुआ खुद आप खुद भी रीयूज कर सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर मैं जिसका मैं पढ़ता हूँ मैं यहाँ से, कि इसमें वर्जन कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जिस्ट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय गिटहब टू फैसिलिटेट इजी शेयरिंग ऑफ कोड स्निपेट्स नोट्स एंड जनरल टेक्स्ट, और इट एक्ट्स लाइक अ मिनी रिपोजिटरी। लेकिन प्रोडक्शन कोड क्योंकि ये नहीं होता, इसलिए आप इसको लिए अलग जगह दी गई है कि आपने री यूज़ करना है बार बार, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर मेन प्रोडक्शन कोड। तो इट कैन बी यूज शेयर वर्क गेट फीडबैक कोलेबरेट, ये सारे काम जिसके साथ हो सकते हैं। प्रोडक्शन कोड नहीं है ना, बता तो रहा हूँ मैं, प्रोडक्शन कोड नहीं है ये। हाँ, इसके अंदर फोर्किंग हो सकती है, क्लोनिंग, ये सारे काम किए जा सकते हैं। एवरी जिस्ट इज अ गिट रिपोजिटरी विच मीन्स दैट इट कैन बी फॉग्ड क्लोन्ड एंड हिस्टोरिकली ट्रैक्ड, फैसिलिटी सारी इसकी अवेलेबल है। लेकिन इसमें छोटे छोटे स्निपेट्स होते हैं, जैसे आप कहते हैं जी डेटाबेस से कनेक्शन करना है तो उसका 7-8 लाइन का कोड होता है, बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो आप एक जगह पर रख लेते हैं, वहाँ से उठा के आप यूज़ करते रहते हैं। तो ये इट इज लाइक अ मिनी रिपोजिटरी। अगली चीज है ऑर्गेनाइजेशंस। गिटहब के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर शेयर्ड अकाउंट फॉर बिजनेसेस एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एंड एनेबल ग्रुप कोलेबोरेशन अक्रॉस मेनी प्रोजेक्ट्स। आमतौर से जब आप गिट रिपोजिटरी बनाते हैं तो आपके नाम पे होती है, पर्सनल होती है। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, रिपोजिटरी बनाना चाहें तो फिर आप ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में फिर जो लोग ऐड करेंगे उनको राइट्स वगैरह उनके एडजस्ट कर सकते हैं, उनके रोल्स आप उनको साइन कर सकते हैं, कोई एडमिन है, कोई कमिटर है, कोई जो ना व्यूअर है, कोई टेस्टर है, सब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके उसको बड़े फाइन ट्यून करके आप डिफरेंट जो मेम्बर्स होंगे उनके रोल्स को आप फाइन ट्यून कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक फायदा है ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का।
तो फीचर्स क्या हैं, टीम मैनेजमेंट आसान हो जाती है, फाइन ग्रेन परमिशंस दे सकते हैं आप, और सेंट्रलाइज ओनरशिप, रिपोजिटरीज बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर आप मल्टीपल रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल मेंबर्स क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे नजर आएगा योर ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की हुई है MDSE EME के नाम से, ठीक है। अब इसमें मेरा नाम आ रहा है कि ओनर कौन है, लेकिन ये आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप इस तरीके से एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप टीम्स में काम करते हैं तो शेयर पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक टीम का कॉन्सेप्ट होता है कि आप सारी मल्टीपल टीम आप जो है वो शेयर करते हैं सारा चीज़, तो ये इस तरह की चीज़ है। इसके अंदर आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, कस्टमाइज मेंबर परमिशन, क्रिएट ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स, पुल रिक्वेस्ट, ऑटो साइन इश्यूज, रन कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, और इसके अंदर आप टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, और इस तरह की पैकेजेस वगैरह आप उसी काम हो सकते हैं इसके अंदर। अगली चीज है एक्शंस। एक्शंस इज अगेन समथिंग वेरी पावरफुल इन गिटहब। आमतौर से अगर आप ये इसकी वर्डिंग को पढ़ें तो लिखा हुआ है गिटहब एक्शंस आर CI/CD एंड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यूजर्स टू ऑटोमेट देयर बिल्ड टेस्ट डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस। तो CI/CD स्टैंड फॉर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो जब हम डेवऑप्स बेस्ड डेवलपमेंट करते हैं तो आपने कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट करनी होती है, तो वो उस काम को ऑटोमेट किया जाए तो वो काम ज़्यादा सीमलेस होता है। तो वो ऑटोमेशन जो है हमें दैट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ गिटहब एक्शंस। यू कैन राइट इंडिविजुअल टास्क कॉल्ड एक्शंस। तो जो इंडिविजुअल टास्क होता है हम बेसिकली उसको एक्शन कहते हैं, एंड कंबाइन देम टू क्रिएट वर्कफ्लोस। और एक या एक से ज्यादा एक्शंस को जब कंबाइन करते हैं तो उसे हम वर्कफ्लो कहते हैं, दैट ऑटोमेटिकली रन ऑन योर रिपोजिटरी इवेंट्स। अब डिफरेंट किस्म के इवेंट्स होते हैं, पुश इवेंट हो सकता है, पुल इवेंट हो सकता है, तो वो डिटेक्ट करेगा कि कोई चीज़ पुश तो नहीं हुई, तो उस इवेंट पे कोई ट्रिगर करना है आपने, कोई काम करना है, तो आप फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग शुरू कर देनी है आपने, जैसे ही पुश हो रिपॉजिटरी में कोड की और टेस्टिंग शुरू हो जाए, तो इस तरह के आप इवेंट्स के ऊपर डिफरेंट ऑटोमेशंस अनेबल कर सकते हैं। इसकी भी मैंने लिंक दिया हुआ है, बड़ी अच्छी वीडियो है ये, बल्कि ये वीडियो हम तो नहीं काम करेगा स्पीकर, यानी अच्छी वीडियो, इसको हम दिखाता हूँ आपको, 7-8 मिनट की वीडियो है। की फीचर्स क्या हैं इसके, इट इज़ इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन का मतलब है कि इसमें जो ऑटोमेशन ट्रिगर होती है वो इवेंट्स पे ट्रिगर होती है, और एग्जांपल उसकी पुश है, पुल है, शेड्यूल टाइम है, कोई टाइम फिक्स किया हुआ आपने, या कोई मैनुअल ट्रिगर्स है, बटन क्लिक पे कोई काम करना है तो वो चीज़ हो सकती है। कंपोजेबल बिल्ड कम्प्लेक्स वर्क फ्लोज बाई कंपोजिंग जॉब्स एंड एक्शंस। फिर इसमें रनर्स होते हैं, लिनक्स आमतौर से यूज़ हो रहा होता है इसके अंदर, लिनक्स के ऊपर रन हो रहा होता है, जो क्लाउड लिनक्स है उसके ऊपर ये आइटम्स रन हो रही होती हैं, या विंडोज या मैकॉस मैकन्टॉश पे।
एडवांटेज क्या होगी ये एक्शंस की, इट सिंप्लीफाइज द इंटीग्रेशन, इट इन्हेंसेज प्रोडक्टिविटी क्योंकि ऑटोमेशन आ गई है इसमें, एंड इट रिड्यूसेस ह्यूमन एरर जो कि मैनुअल काम करने में हो सकती है। जो एक्शंस वर्क फ्लोज लिखे जाते हैं उसके लिए YAML फाइल यूज की जाती है जिनकी एक्सटेंशन होती है YAML, YAML एक्सटेंशन होती है, और इसके अंदर आपने ये फोल्डर क्रिएट करना होता है, एक रिपोजिटरी के अंदर, रिपोजिटरी के अंदर फोल्डर क्रिएट करेंगे, एक सब फोल्डर क्रिएट करेंगे डॉट गिटहब, उसके अंदर एक और सब फोल्डर क्रिएट करेंगे वर्क फ्लोज के नाम से, और उसके अंदर जाके YAML फाइल्स रखेंगे। तो ये फोल्डर के स्पेलिंग्स और नाम ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही लोकेशन होनी चाहिए, अगर लोकेशन चेंज हो जाए तो फिर ये वर्क फ्लो रन नहीं करता, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसको इसकी YAML फाइल का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये एक हेलो वर्ल्ड स्ट्रक्चर है YAML फाइल का। तो इसमें सबसे पहले नेम आ रहा है जो भी उसका वर्क फ्लो का नाम है, हेलो वर्ल्ड वर्क फ्लो आ गया। इसके बाद ऑन पुश, तो ये इवेंट है, कौन से इवेंट पे इसने ट्रिगर हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जी ऑन पुश, पुश इवेंट पे ट्रिगर होगा, और कौन सी ब्रांच पे ट्रिगर होगा, मेन ब्रांच में, यानी कि मेन ब्रांच में अगर कोई पुश होता है कोई डाटा या कोई कमिट, कोई इंफॉर्मेशन पुश होती है तो उस वक्त किसने ट्रिगर होना है, इसका मतलब ये है, दिस ट्रिगर्स द वर्क फ्लो ऑन पुश इवेंट टू द मेन ब्रांच। इसके बाद अगर हमने मैनुअल ट्रिगर करना है तो वो भी हम साथ दे सकते हैं, मैनुअल ट्रिगर के लिए ये कीवर्ड हम यूज करते हैं वर्क फ्लो डिस्पैच, वर्क फ्लो डिस्पैच अगर हम डालेंगे तो अब इसका मतलब है कि ये पुश पे भी ट्रिगर हो जाएगा और मैनुअल अगर ट्रिगरिंग करेंगे तब भी ये ट्रिगर हो जाएगा। तो वर्क फ्लो डिस्पैच दिस इनेबल्स मैनुअल ट्रिगर ऑफ गिटहब यूआई, होगा क्या उसमें एक बटन अनेबल हो जाता है मैनुअल ट्रिगरिंग के लिए, आप क्लिक करते हैं तो वो टेस्टिंग के लिए आप उसको चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके बाद एक्चुअल करना क्या है वो आ जाएगा जॉब्स के अंदर। तो हम कह रहे हैं जी सबसे पहले वो बिल्ड करें, और ये रन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पे होना है, यूबंटू लेटेस्ट पे, ये जो उसकी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी यूबंटू इंस्टॉल्ड है, जो लेटेस्ट यूबंटू होगा वो उसको यूज़ करेगा इसको रन करने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड क्लॉज है जो तकरीबन हर वर्क फ्लो में डली होती है। काम क्या करने हैं, ये स्टेप्स हैं जो कि एक्शंस जिसको हम कहते हैं, नेम चेकआउट रिपोजिटरी यूजेस एक्शंस चेकआउट वर्जन 2, दिस एक्शन चेक्स आउट योर रिपोजिटरी अंडर गिटहब वर्कस्पेस, ये एक वेरिएबल है उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल है, सो योर वर्क फ्लो कैन एक्सेस इट। असल में इसको वर्क फ्लो के लिए को एक्सेस करने के लिए कि क्या क्या डाटा है उसको चेकआउट करना ज़रूरी होता है, इसलिए चेकआउट भी एक स्टैंडर्ड क्लॉज है, जैसे ही आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है तो पहले आपने चेकआउट करना है, चेकआउट करेंगे तो फिर वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है आपका जो ऑटोमेटेड एक्शन है, इसलिए चेकआउट करना होता है हमने। अब चेकआउट करने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट हेलो वर्ड नाम है और इको हेलो वर्ड, दिस स्टेप यूजेस अ शेल कमांड टू प्रिंट हेलो वर्ड। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ सा मैंने आपको एक आउटलुक दिया है कि जो गिटहब एक्शन में जो YAML फाइल यूज़ करती है किस तरीके से उसकी स्क्रिप्टिंग की जा सकती है। इसकी आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो में वो बड़ा अच्छा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मेरे ख्याल में इट्स वर्थ वॉचिंग इन द क्लास। बेसिकली डेवऑप्स में क्या होता है, आपने कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिलीवरी, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ये काम आपने रेगुलर करके आते हैं, जब प्रॉब्लम खोलें तो हर दूसरे दिन आया होता है जी आपने डाल दिया, क्योंकि पीछे ऑटोमेशन नहीं हुई, चेंजिंग होती है साथ ही आपके पास हर दूसरे दिन आ जाते जी
क्रोम में अपडेट आ गए, वो सिर्फ ऐसे बिकॉज पीछे आप क्लाउड में सारा ये सारे ऑटोमेशन नहीं होती है। दिस कैन सिग्निफिकेंटली जब इसमें देखिए जो सुपर लेंटर है ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारी फेमस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। जैसे कुछ लैंग्वेज की चीज़ आप अपलोड करते हैं तो उसमें सारे उसमें जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के मुताबिक वो उसका देखता है कि उनको कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा होगा तो ये आपको एरर दे देगा। तो ये भी एक कॉमनली एक रेडीमेड चीज़ अवेलेबल है जो कि यूज होती है। नई रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा या वो फोल्डर नजर आ रही है। इसमें जो इसके यैमल फाइल के ऑनलाइन एडिटर भी पड़े होते हैं, वायमल लिंट, इस पर आप जब आप अपना वो लिखते हैं, वर्कफ्लो लिखते हैं, तो आप इसके अंदर पेस्ट करके आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल हमने लिखी है इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। तो आप यहाँ करते हैं तो आप बताते हैं कि ये वैलिड यैमल फाइल है। तो ये इस तरह के भी ऑनलाइन ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं।
येलो का मतलब रन हो रहा है अभी वर्क फ्लो। यह है कि अगर तो ये टेस्ट पास हो जाए तो आप समझे फिर आप अगली स्टेज पे ले जाते हैं ऑटोमेटिकली, फेल हो जाता है तो फिर ये उस जगह पे रुक जाता है। तो आपकी इंटीग्रेशन होनी है, डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी, डिप्लॉयमेंट, किसी भी स्टेज पे अगर ये टेस्ट आपका फेल होता है तो फिर वो रुक जाएगा। अदरवाइज ये आपका रेगुलरली ऑटोमेशन में आपकी पूरा पाइपलाइन चल रही होती है। अब एरर इंड्यूस कर रहा है, अंदर कोड में एरर डाल रहा है, फिर इंडेंटेशन के इश्यूज हैं और फंक्शन के दरम्यान 2 लाइन स्पेसिस होनी चाहिए, पाइथन में वो नहीं है, ये एरर इसमें मसला है। पूरा पुश पुश किया, कमिट किया, कमिट से पुश हो गया, उससे दोबारा एक दफा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया।
फोर स्पेसेस होती हैं पाइथन में, फोर स्पेसेस आ रही है। अच्छा, अब आपने कुछ वर्क फ्लो टेम्पलेट ऑलरेडी पड़े होते हैं इसके अंदर, तो आप पहला काम ही होना चाहिए आपका कि पहले आप देखें कि ऑलरेडी पड़ा हुआ तो नहीं जो काम हमने करना है, अगर नहीं है तो फिर आप अपना लिखेंगे। ठीक है जी, सो दिस एंड्स आवर डिस्कशन ऑन गिट हब। जो भी इसमें लेटेस्ट फीचर्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, गिट गिट हब के दरमियान कैसे पुल पुश काम कर रहा होता है, क्लोनिंग कैसे काम कर रही होती है, वो सारी डिस्कस कर ली है। अब थोड़ा सा जो आपका असाइनमेंट टू है, जो भी आप अगली असाइनमेंट करनी है उससे रिलेटेड थोड़ी सी मैं आपको थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ, सो इट विल हेल्प यू इन डूइंग दैट असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के अंदर आपको नजर आएगा कि स्टेट मशीन का कोड जनरेट करना है, स्टेट मशीन को रीड करके उससे कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट जनरेट करना है। इसका मतलब है आप यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट द मेटा मॉडल ऑफ द स्टेट मशीन। तो वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ फिर स्टेट मशीन को। तो स्टेट मशीन पैकेज डिफाइंस set of concepts that can be used for modeling discrete event driven behavior using finite state machine formalism. To ye basically aapke ye basic uska finite state machine basically banayi gayi hai, and it can express behavior part of system, for example behavior of a classifier instance and valid interaction sequences कॉल्ड प्रोटोकॉल्स फॉर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो दो तरह की स्टेट मशीन होती हैं, बिहेवियर स्टेट मशीन बना सकते हैं आप स्टेट मशीन डायग्राम से, और प्रोटोकॉल स्टेट मशीन बना सकते हैं, दो तरह की स्टेट मशीन बना सकते हैं आप। फिर जो कॉन्सेप्ट स्टेट मशीन में यूज होते हैं दोज आर बिहेवियर स्टेट, बिहेवियर ट्रांजिशन, प्रोटोकॉल स्टेट, प्रोटोकॉल ट्रांजिशन, एंड देन देर आर डिफरेंट सूडो स्टेट्स जो उसमें यूज होती हैं। This is one of the example of a state machine. जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये जो rounded rectangle हैं, these are states. और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि these are nested states. आपकी composite state है heating, और उसके अंदर दो nested states हैं activating and active.
फिर ये जो आपको एजेस नजर आ रही हैं एरोस, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशंस. क्या कहते हैं इनको? ट्रांजिशंस कहते हैं इनको. ठीक है, तो जब भी कोई ट्रांजिशन, आमतौर से जो ट्रांजिशन अकर करती है, इट इज अकर्ड बिकॉज ऑफ सम इवेंट. कोई इवेंट अकर करता है, जैसे पुश इवेंट देखा हमने, पुल इवेंट देखा, तो इवेंट ऐसा कोई भी इवेंट हो सकता है. उस इवेंट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इवेंट है टू कोल्ड, तो एक कोई डिजायर टेम्परेचर था 25%, अगर उससे फॉर एग्जांपल नीचे आया टेम्परेचर, तो हमने टू कोल्ड का इवेंट ट्रिगर हो गया. तो जो ट्रांजिशन होते हैं ये ट्रिगर के साथ लिंक होती हैं, कि अगर कोई ट्रिगर होता है तो फिर वो ट्रांजिशन अकर होगी. तो आप जो आपका जो भी फॉर एग्जांपल ये हीटर की स्टेट मशीन है, तो हीटर का की स्टेट चेंज हो जाएगी, आइडल से वो चला जाएगा हीटिंग में. इसी तरह अगर कोई इवेंट ट्रिगर होता, आइडल पे था, इवेंट ट्रिगर हो गया टू हॉट का, तो ये वाली ट्रांजिशन ट्रिगर हो जाएगी, तो वो कूलिंग स्टेट पे चला जाएगा. तो इसमें बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट्स ट्रांजिशन के हैं और स्टेट के कॉन्सेप्ट्स हैं और ट्रिगर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं. और ट्रिगर ट्रिगर बेसिकली जो इवेंट होता है, इवेंट ट्रिगर होता है और वो ट्रिगर करता है ट्रांजिशन को. तो ये स्टेटमेंट देखें नीचे क्या लिखी है, इन अ हीटर ट्रांजिशन मे ट्रिगर फ्रॉम आइडल टू हीटिंग, आइडल से हीटिंग में स्टेट व्हेन एन इवेंट सच एज टू कोल्ड विथ पैरामीटर डिजायर टेम्परेचर अकर्स. तो तीन चार कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, इवेंट का कॉन्सेप्ट है, ट्रिगर का कॉन्सेप्ट है, ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट है, स्टेट का कॉन्सेप्ट है. चार कॉन्सेप्ट हैं स्टेट मशीन के. ट्रांजिशन को थोड़ा सा अगर हम और इसको डिलीबरेट करें, ट्रांजिशन में ओन सेट ऑफ ट्रिगर्स, यानी ट्रांजिशन जो है वो ओन करती है ट्रिगर्स को, ईच ऑफ विच स्पेसिफाइज एन इवेंट. और ट्रिगर जो है वो स्पेसिफाई करता है कि वो किस इवेंट के साथ अटैच है, जिस इवेंट की वजह से उसने ट्रिगर होना है. Whose occurrence when dispatched may trigger traversal of the transition. Transition trigger is said to be enabled if dispatch event occurs matches the event type. यानी कि event type जो हमने event type अगर too cold है, too ऐसा event too cold का event occur होगा, तो फिर उससे corresponding जो transition है वो trigger करेगी. When multiple triggers are defined for a transition, they are logically disjunctive. That is, if any of the triggers are enabled, the transition will be traversed. यानी एक transition हो सकता, तीन चार अपने triggers attach किए हैं, तो कोई एक भी trigger अगर कर गया तो transition occur हो जाएगी. यानी कि और this trigger, trigger one, trigger two और trigger three, कोई एक भी trigger अगर हो गया तो वो ट्रांजिशन आपकी हो जाएगी. अब इसके मेटा मॉडल को अगर हम देखें, तो बिहेवियर स्टेट मशीन इज स्पेशलाइजेशन ऑफ बिहेवियर टू बी यूज्ड टू स्पेसिफाई एनी ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि इसमें जो जो स्टेट मशीन होती है वो क्लासिफायर बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकती है किसी एक्टिव क्लास के. एक्टिव क्लास का कॉन्सेप्ट ये है यूएमएल में, कि ऐसी क्लास जो कि खुद ही वो उसको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता, वो उसका ऑब्जेक्ट खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है. कोई बाहर से कोई फोर्स उसको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करती, एक्टिव क्लास का ऑब्जेक्ट खुद ही क्रिएट हो जाता है. तो उसके क्लासिफायर बिहेवियर को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, then you can represent it with the help of state machine. इसी तरीके से किसी behaviored classifier का own behavior अगर आपने depict करना है, तो that can also be depicted with the help of state machine diagram. फिर अगर आपने कोई stand alone behavior depict करना है जो किसी behavior classifier से link नहीं है, तो stand alone behavior को depict करने के लिए भी use कर सकते हैं state machine diagram को. और अगर आप कोई मेथड, जो ऑपरेशन होते हैं ना, ऑपरेशन
के मेथड होते हैं, ठीक है। तो मेथड कोरस्पॉन्डिंग टू बिहेवियर फीचर, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन और रिसेप्शन। तो किसी ऑपरेशन का मेथड डिफाइन करना है तो दो दैट मेथड कैन ऑल्सो बी मॉडल्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेट मशीन डायग्राम। ऑपरेशन का मेथड, अच्छा जी। अब ये अगर आप इस पर देखें तो आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू नजर आ रहा है, आपको स्टेट मशीन नजर आ रही है इसके अंदर, दिस इज अ स्टेट मशीन। इसके साथ आपको एक्टिविटी भी नजर आ रही है, इंटरेक्शन डायग्राम की इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, यूज केसेस नजर आ रहे हैं, ओपेक बिहेवियर नजर आ रहा है, फंक्शन बिहेवियर नजर आ रहा है। तो जो बुनियादी चीज है दैट इज अ बिहेवियर क्लास। तो इसके अंदर यूएमएल में एक बिहेवियर की क्लास डिफाइन की गई है, विच इज अ काइंड ऑफ अ क्लास, क्लास से इनहेरिट हुई हुई है। तो बिहेवियर का, अ बिहेवियर क्लासिफायर कैन ओन अ बिहेवियर, जैसे क्लास है वो भी एक तरह का बिहेवियर क्लासिफायर है, वो बिहेवियर ओन कर सकती है। इसका यूज केस जो है ये भी एक तरह का बिहेवियर क्लासिफायर है, इट कैन ओन अ बिहेवियर। और अगर वो किसी भी बिहेवियर का कोई ना कोई बिहेवियर क्लासिफायर कॉन्टेक्स्ट हो सकता है उसका, जैसे कॉन्टेक्स्ट का टर्म हमने उसमें देखी है कंस्ट्रेंट में, कि जिसके साथ कंस्ट्रेंट अटैच होता है वो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। इसी तरह यहाँ भी वही चीज़ है कि जिस बिहेवियर क्लासिफायर का बिहेवियर अटैच होता है वो बिहेवियर क्लासिफायर उसका कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। और किसी भी बिहेवियर की जो स्पेसिफिकेशन है दैट कैन बी स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिहेवियर फीचर, और उस बिहेवियर फीचर का बिहेवियर जो है वो मेथड होता है। तो बिहेवियर फीचर, ऑपरेशन इज अ बिहेवियर फीचर, ऑपरेशन जो है ना इट इज काइंड ऑफ बिहेवियर फीचर। तो ऑपरेशन का जो मेथड होता है वो बिहेवियर हो सकता है, और अगर किसी ऑपरेशन के साथ आपने बिहेवियर को अटैच किया तो वो उसका बिहेवियर फीचर बन जाता है ऑपरेशन जो है। ऑपरेशन बिहेवियर फीचर देखेंगे तो इसके नीचे सब क्लासेस में ऑपरेशन आता है, जो एक एग्जांपल है जो आपने देखी हुई है। और एक्टिविटी, स्टेट मशीन, इंटरेक्शन, दीज ऑल आर काइंड ऑफ बिहेवियर। तो हम एक्टिविटी डायग्राम के जरिए भी बिहेवियर डिपिक कर सकते हैं, हम स्टेट मशीन के जरिए भी बिहेवियर डिपिक कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं। और इंटरेक्शन डायग्राम्स जिसमें स्टेट में जिसमें आती है आपकी सीक्वेंस डायग्राम आती है, कम्युनिकेशन डायग्राम आती है, ये डायग्राम्स बेसिकली इंटरेक्शन डायग्राम कहलाती हैं। तो उनके ज़रिए भी हम बिहेवियर मॉडल कर सकते हैं, इंटरेक्शन डायग्राम के जरिए, स्टेट मशीन के जरिए और एक्टिविटी डायग्राम के जरिए। सो दीज ऑल आर काइंड ऑफ बिहेवियर। तो ये एक हाई लेवल आपको ओवरव्यू नज़र आ रहा है कि इसके कहाँ पे स्टेट मशीन कहाँ फिट हो रही है आके। यहाँ पे स्टेट मशीन इज अ काइंड ऑफ डिपिक्ट अ काइंड ऑफ बिहेवियर। अदर इसके अगर मेटा मॉडल में आप आएँ तो जैसे यहाँ पे आपको पिछली डायग्राम में नजर आया था कि स्टेट मशीन इज काइंड ऑफ बिहेवियर, तो स्टेट मशीन के अंदर एक रीजन होता है, एक या एक से ज़्यादा रीजन होते हैं। तो अगर आप स्टेट मशीन को मॉडल करेंगे पायरस में तो आप देखेंगे जैसे ही आप स्टेट मशीन क्रिएट करते हैं तो एक रीजन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, वन मिनिमम एक रीजन होना चाहिए। तो पायरस में उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने मशीन बनाई है तो अगर आपके साइड पे उसका हायरार्किकल व्यू देखेंगे, ट्री व्यू देखेंगे, तो आप देखेंगे कि रीजन ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक क्रिएट हो गया। एडिशनल रीजन आप क्रिएट कर सकते हैं पार्टीशनिंग के लिए, आप पार्टीशनिंग कर सकते हैं उसके अंदर, आप एडिशनल रीजन के जरिए डिफरेंट पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक रीजन लाजमी क्रिएट होता ही होता है। उसके अलावा अगर एडिशनल रीजन क्रिएट कर रहे हैं तो आप रीजन फर्दर ला के वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, दूसरे रीजन आप ज़्यादा कर सकते हैं। रीजन ये समझें कि रीजन एक स्टेट मशीन के अंदर ना ये जो कॉन्सेप्ट्स ट्रांजिशन और स्टेट के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, दीज आर इंक्लोज्ड इन अ रीजन। यहाँ पे एक मैं दिखाता हूँ आपको,
ये फॉर एग्जांपल देखें, ये एक स्टेट मशीन डायग्राम है, इसके अंदर दो रीजन है, ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है, एक रीजन इसके लेफ्ट पे है और एक रीजन राइट पे है। तो आप इसके अंदर डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, उनको हम इसमें पार्टीशन नहीं कहते बल्कि रीजन्स कहते हैं। तो आप अगर यहाँ पे स्टेट मशीन को देखें, इसका ट्री व्यू देखें, तो स्टेट मशीन के अंदर रीजन वन है, रीजन वन के अंदर आपको टी थ्री नज़र आ रहा है जो कि ये वाली एज है, इसके अंदर स्टेट टू नज़र आ रहा है जो कि आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है, फाइनल स्टेट है। तो ये तीनों जो है ये रीजन वन के अंदर पड़ी है, यानी कि ये जो एरिया ये रीजन है, और ये जो दूसरा एरिया ये है रीजन टू, बाकी जितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो सारे रीजन टू के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसमें पार्टीशनिंग की एक फैसिलिटी है कि आप उसको रीजन वाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आमतौर से कई दफ़ा पैरेलल एग्जीक्यूशन आपने शो करनी होती है, दो पैरेलल रीजन कई दफ़ा आप बनाते हैं, कह जी ये एक पैरेलल रीजन, ये एक्टिविटी पैरेलल रन होंगी और एक ही रीजन ये होगा। तो आप इस वजह से आपको कई ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको रीजन्स क्रिएट करने पड़ते हैं। और एक टिपिकल एग्जांपल है, आपने कोई पैरेलल एग्जीक्यूशन शो करनी है तो आप दो रीजन बताएंगे, बताएंगे जी एक रीजन ये है एक रीजन ये है, भाई दोनों चीज़ें जो है ना ये पैरेलल में चलेंगी। तो इस वजह से रीजन एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है जब आप पपायरस मॉडलिंग कर रहे होते हैं, कि रीजन लाजमी एक रीजन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, इसके अलावा एडिशनल आपने रीजन क्रिएट करने हैं तो फिर आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। तो रीजन आप नजर आएगा स्टेट मशीन किसी के अंदर एक रीजन कम से कम होगा, एक से ज्यादा रीजन हो सकता है। अब एक रीजन के अंदर देर कैन बी मल्टीपल वर्टेक्सेस, तो ये जितने अब हमारी स्टेट्स हैं दोज फॉल अंडर वर्टेक्सेस, उसके अंदर नीचे आप जब हायरार्की देखेंगे तो उसके नीचे सारी स्टेट्स इसके नीचे आती है, वर्टेक्सेस के नीचे आती हैं। और अगर आप दूसरी साइड पर देखते हैं, अ रीजन कैन हैव मैनी ट्रांजिशंस, ये ट्रांजिशन भी नजर आ रही हैं आपको, रीजन कैन हैव मैनी ट्रांजिशंस एंड रीजन कैन हैव मैनी वर्टिसेस। ट्रांजिशंस ट्रांजिशन में आ रही हैं, ये कंक्रीट क्लास है, वर्टेक्स जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी इसके नीचे फिर स्टेट इसके नीचे आएंगी जो कि कंक्रीट होंगी, लेकिन दीज आर काइंड ऑफ वर्टिसेस। फिर आप ये देखें, ट्रांजिशन के साथ ट्रिगर अटैच हो सकते हैं, ट्रांजिशन के साथ कंस्ट्रेंट अटैच हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था इवेंट वगैरह ट्रांजिशन के साथ अटैच हुए होते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ट्रिगर्स अटैच हुए हुए हैं इसके साथ। मैंने कहा ही था ये है कि ट्रांजिशन के साथ अटैच होते हैं, आपको शुरू से मैं यही कहता हुआ आ रहा हूँ, ट्रांजिशन के साथ अटैच होते हैं। ट्रांजिशन पे इवेंट है टू कोल्ड, और टू कोल्ड इवेंट जैसे ही अकर होगा तो वो ट्रिगर कर देगा ट्रांजिशन को, तो ट्रांजिशन के साथ ट्रिगर का लिंक है। लेकिन ट्रिगर ट्रांजिशन के साथ है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन होनी है तो वो ट्रांजिशन पे ट्रिगर लगता है, जब ट्रांजिशन अकर होगा तो फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा, तो लिंक ट्रिगर इज लिंक विद द ट्रांजिशन, ठीक हो गया। इसके बाद अगर इसके नीचे वाला पार्ट देखें मेटा मॉडल का, तो ये वर्टेक्स था, वर्टेक्स के नीचे आपको नजर आ रहे हैं सूडो स्टेट्स हैं, ये स्टेट है जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम है, स्टेट है, लेकिन देर आर सूडो स्टेट्स एज वेल, और कनेक्शन पॉइंट डिफरेंस भी है। लेकिन सूडो स्टेट्स को अगर आप देखेंगे तो सूडो स्टेट्स की ये काइंड हैं, इनिशियल स्टेट, डीप हिस्ट्री, शेलो हिस्ट्री, ज्वाइन, फॉर्क, जंक्शन, चॉइस, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, टर्मिनेट, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ सूडो स्टेट्स। जैसे पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई है यहाँ पे, तो ये जो है ये एक तरह की सूडो स्टेट है, इनिशियल स्टेट, और ये आपकी फाइनल स्टेट है, ये भी एक तरह की सूडो स्टेट है, ये एक तरह की सूडो स्टेट्स है, इनको सूडो स्टेट कहते हैं। और ये जो है ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट के इंस्टेंसेज हैं, ये सूडो स्टेट्स के इंस्टेंसेज हैं, और ये ट्रांजिशन के इंस्टेंसेज हैं सारे। जी ये ट्रिगर ये होगा ना, टू कोल्ड इवेंट है ना,
ट्री टू कोल्ड इवेंट जब अकर होगा तो ये ट्रिगर करेगा ट्रांजिशन को. ट्रांजिशन इस तरीके से इवेंट और ट्रिगर के साथ लिंक्ड है. अगर ये स्टेटमेंट नीचे आप पढ़ें, इन अ हीटर ट्रांजिशन, इसकी बात हो रही है, मे ट्रिगर फ्रॉम आइडल टू हीटिंग स्टेट. आइडल टू हीटिंग स्टेट व्हेन एन इवेंट सच एज टू कोल्ड, ये वाला टू कोल्ड विथ पैरामीटर डिजायर टेम्परेचर अकर्स. ट्रांजिशन ट्रिगर करेगी जब कोई इवेंट अकर करेगा. तो इवेंट ट्रिगर ट्रांजिशन लिंक्ड है आपस में. तो सूडो स्टेट्स की एग्जांपल्स आपको बताई है मैंने. स्टेट जो है वो स्टेट वही है जो ऑलरेडी है इसके. क्या चीज ट्रिगर और स्टेट लिंक हो रहे हैं? इसमें एक स्पेशल स्टेट के साथ एक ट्रिगर होता है, स्पेशल ट्रिगर होता है जो इसका लिंक हो सकता है. इट इज कॉल्ड डेफरेबल ट्रिगर. ठीक है, हर किस्म का ट्रिगर इसका लिंक नहीं होता. पर ये अभी असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको आप इग्नोर कर दें, फिर ये लंबी डिस्कशन हो जाएगी, उसको छोड़ दें आप. ठीक है, ये स्पेशल केस है एक. क्या ऊंचा ऊंचा? हाँ हाँ ठीक है. ये देखें, ये स्टेट कंपोज कर रही है. किस चीज को कंपोज कर रही है? यहाँ पे या वापस जाता हूँ मैं, ये ऊपर आ रहा है. स्टेट इज कंपोजिंग अ रीजन. ठीक है, और रीजन के अंदर फिर आप स्टेट डाल सकते हैं और रीजन डाल सकते हैं. तो जो कंपोजिट स्टेट होती है उसके अंदर फिर आप रीजन आते हैं और रीजन के अंदर फिर नेस्टेड स्टेट्स आ जाती हैं. हाँ ठीक हो गया. अच्छा जी, और कंस्ट्रेंट नजर आ रहा है. कंस्ट्रेंट स्टेट पे भी अप्लाई किया जा सकता है और कंस्ट्रेंट ट्रांजिशन पे भी अप्लाई किया जा सकता है. तीसरा पार्ट देखें इसका. स्टेट प्राइमरीली जो है वो आपके बिहेवियर के साथ, दो तीन तरह के एंट्री बिहेवियर स्टेट के साथ अटैच हो सकता है, एग्जिट बिहेवियर अटैच हो सकता है, डू एक्टिविटी बिहेवियर. ये तीन तरह के बिहेवियर हैं जो कि आप स्टेट के साथ अटैच कर सकते हैं. दोज कैन बी कंपोज बाय द स्टेट. अगर आप इसका पपायरस पे स्टेट की प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एंट्री में आपको अलाउ कर रहा होगा कोई आप बिहेवियर. बिहेवियर कैन बी अनदर स्टेट मशीन. बिहेवियर कैन बी एन एक्टिविटी डायग्राम, अनदर एक्टिविटी डायग्राम जो सर लिंक कर सकते हैं, या कोई इंटरेक्शन डायग्राम सर लिंक कर सकते हैं. बिकॉज दीज ऑल आर काइंड ऑफ बिहेवियर्स. तो आप इसकी एंट्री बिहेवियर आप कोई मॉडल सेपरेटली डायग्राम में बना के इसका लिंक कर सकते हैं. एंट्री बिहेवियर ये है जी, एग्जिट बिहेवियर ये है, डू एक्टिविटी बिहेवियर ये है. दोज कैन बी लिंक्ड, सेपरेट डायग्राम लिंक हो जाएंगी यहाँ पे आके इस जगह पे, एंट्री के साथ या एग्जिट के साथ या डू एक्टिविटी के साथ. तो ये उसका पूरा मेटा मॉडल नजर आ रहा है आपको. फिगर है 14.1 यूएमएल के मेटा मॉडल की. ये फिगर 14.1 है जिसमें ये पूरा आप नजर आ रहा है आपको इसका मेटा मॉडल. तो देखो ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया है, दैट विल हेल्प यू इन योर असाइनमेंट.